Hello everyone, I'm Jacina Perez and I welcome you all to today's discussion of the Daily News Analysis. So, aaj hai 23rd August 2024 and let us see some important articles of the day. तो पहला न्यूज़ जो है आज के दिन से रिलेटेड है. सो आज का दिन 23rd August इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल स्पेस डे. नाउ व्हाई डू वी सेलिब्रेट टुडेज डे ओनली एज नेशनल स्पेस डे? दैट इज बिकॉज आज के दिन हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, राइट, वी सॉ इट लैंडेड ऑन दिस डे. ओके, इसरो जो है इट वॉज लॉन्च और इट बिकेम और वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1969 15th August, बट 23rd August सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे बिकॉज ऑफ दिस वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट दैट हैपेंड एंड एच्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आज के क्लास में हम कुछ मिशंस डिस्कस करेंगे इसरो से रिलेटेड. वी गोइंग टू सी, बिकॉज आज के आर्टिकल्स में बहुत सारा स्पेस से रिलेटेड हमको डेटा दिया गया है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. नाउ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर योर एग्जाम कि हमने देखा है 23rd August, ओके, दैट इज इन 2023 में कौन सा मिशन था दैट लैंडेड. ओके, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मिशन? इट वॉज चंद्रयान, है ना, चंद्रयान. और कितने मिशन्स हुए हैं? 3 मिशन्स हुए हैं और ये तीसरा वाला जो मिशन था इट लैंडेड सक्सेसफुली, है ना. एंड ये लैंडर का नाम क्या है? लैंडर का नाम है विक्रम एंड जो रोवर है इसका नाम है प्रज्ञान. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडर एंड रोवर? लैंडर इज द वन दैट लैंड्स ऑन द मून सर्फेस and the one that moves and performs experiments, इसको हम कहते हैं rover, प्रज्ञान, right? And ये जो point था जहाँ पे ये land किया, इसको क्या कहते हैं? It is called as statue Shiv Shakti, या इसको हम कहते हैं Shiv Shakti point, okay? So either statue Shiv Shakti or Shiv Shakti point. तो ये आपको कुछ information याद रखना है. So let's now understand with regard to the successful launches. So अगर हम exploration की बात करते हैं, because today is National Space Day, let's understand how we have seen the timeline of the space program. So starting में हमने पहला एक rocket launch किया था, right? What was the name of this rocket? It was Apache. ओके, निकपाशे. तो एक कमिटी बनी थी 1962 में जिसका नाम है इनकोस्पार, है ना. और हमारे इंडिया का जो स्पेस रिसर्च है, इनके फादर और द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च इन इंडिया, व्हाट इज हिज नेम? इट इज डॉक्टर विक्रम साराभाई. सो बहुत सारे फैक्ट्स हम देखेंगे एंड दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. वन लाइनर्स है ये, आपको ये पता होना चाहिए. तो इन्होंने ये कमिटी स्टार्ट की थी. ही वॉज द हेड ऑफ द कमिटी इनकोस्पार, एंड इनकोस्पार इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च इसका पूरा नाम है. एंड इवन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ मेंबर ऑफ दिस इनकोस्पार. तो यहाँ पे उन्होंने पहला लॉन्च किया था तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से. केरला का जो विलेज है, फिशिंग कम्युनिटी था, फिशिंग विलेज था, वहाँ से पहला हमने रॉकेट लॉन्च किया. लेकिन हमने ये रॉकेट खुद से नहीं बनाया था, यानी कि वी हैव टेकन पार्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो ये हम देखते हैं 1963 एंड देन सून वी ऑल्सो सी दैट वी स्टार्टेड RH-75. ये रॉकेट हमने वी सेंट इट टू स्पेस. And soon 1969 में इसरो फॉर्म होता है. 15th August 1969 में ये फॉर्म होता है. एंड देन वी सी 1975 में हमने पहला हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम है आर्यभट्ट. लेकिन ये इंडिया ने लॉन्च नहीं किया था, ये USSR के लॉन्च व्हीकल से गया था, लेकिन सैटेलाइट तो हमारा ही था. सो दिस इज कॉल्ड एज आर्यभट्ट, इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, राइट. सून 1980 में हमने लॉन्च व्हीकल बनाया, बिकॉज फर्स्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल? सैटेलाइट इज द वन दैट परफॉर्म्स द वेरियस एक्शंस, मेनली नेविगेशन है या रिमोट सेंसिंग है या अर्थ को ऑब्जर्व करना है, कुछ रिसर्च है, मैपिंग करना है, तो ये सैटेलाइट करता है. सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाने के लिए उसको एक व्हीकल की जरूरत है जिसका नाम है लॉन्च व्हीकल. सो दिस इज लाइक द लॉन्च व्हीकल एंड इन दिस यू विल हैव अ पार्ट दैट इज कॉल्ड द सैटेलाइट दैट विल परफॉर्म द फंक्शन. सो
your launch vehicle will have fuel and all of that, all the important parts, payloads, radar, sensors, ये सब होंगे इस launch vehicle में. Okay, so launch vehicle हमने 1980 में बनाया था, SLV कहते हैं इसको. And 1984 we have Rakesh Sharma who became the first Indian in space. फिर आते हैं समय इंपॉर्टेंट मिशन. 2008 में हमने मून को ऑर्बिट किया, दैट वॉज कॉल्ड एज चंद्रयान वन, राइट. 2013 में वी हैड ऑल्सो द मिशन टू द मार्स विच इज कॉल्ड एज मंगलयान, ठीक है. फॉलोड बाई विच वी सीन 2017 में 104 सैटेलाइट्स हमने एक ही मिशन में सेंड किया था. 2019 में चंद्रयान, बट दैट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. एंड फाइनली इन 2023 वेयर वी सी वी लैंडेड सक्सेसफुली इन द साउथ पोल ऑफ द मून. सो ये है इंपॉर्टेंट मिशन. बट ऑफकोर्स इसके अलावा कहीं सारे ऑल इम्पॉर्टेंट मिशंस भी हैं, तो हम रीसेंट मिशंस भी देखते हैं बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, राइट. सो वी गोइंग टू सी सम इम्पॉर्टेंट मिशंस. सो लेट्स सी फर्स्टली द रीकैप. जैसे हमने कहा मंगलयान मिशन, राइट. मंगलयान मिशन जो है इसको हम मार्स ऑर्बिटर मिशन कहते हैं. मूवी भी बनी है इसमें, मिशन मंगल, राइट. सो यर दिस वाज मेनली लॉन्च्ड इन 2013 में ये लॉन्च डे था. एंड व्हिच वाज द लॉन्च व्हीकल दैट वाज यूज्ड? पीएसएलवी, ठीक है. पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. सो हम देखते हैं पीएसएलवी में कितने स्टेजेस होते हैं. देयर आर फोर स्टेजेस. ओके, पीएसएलवी में चार स्टेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड. सो दीज आर द फ्यूल सिस्टम्स दैट द लॉन्च व्हीकल यूजेस टू मेनली ट्रांसपोर्ट द सैटेलाइट इन द स्पेस. सो यहाँ पे हमने पिक्चर्स लिए गए थे, ओके, ऑफ द मार्स. वी हैव ऑर्बिटेड द मार्स, ये प्लैनेट को हमने ऑर्बिट किया. एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल मिशन. 2013 का ये मिशन था एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव अगेन टेक प्राइड इन दिस. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन. चंद्रयान हमने अभी डिस्कस किया. दिस वॉज टू ऑर्बिट द मून. तो ये मून के लिए मिशन था और इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल हमने यूज किया? पीएसएलवी. नाउ रिमेंबर पीएसएलवी आल्सो हैज अ की वर्ड दैट यू कॉल इट. इसको हम वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहते हैं बिकॉज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट मिशंस ऑफ इसरो हैव बीन अंडरटेकन बाय पीएसएलवी. ऑन द अदर हैंड जीएसएलवी, ये भी सुना होगा आपने, जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अगर पीएसएलवी के चार स्टेजेस है, जीएसएलवी के तीन स्टेजेस होते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड क्रायोजेनिक. एंड क्रायोजेनिक मतलब वेरी वेरी लो टेम्परेचर्स में ये फ्यूल होता है, वेरी लो टेम्परेचर्स. ओके, सो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, दैट इज ओनली यूज इन योर जीएसएलवी. जीएसएलवी को हम कहते हैं फैट बॉय, ओके, और बाहुबली. तो इसको ये टर्म्स भी दिए गए हैं. व्हाई डू वी कॉल दिस टर्म्स एज फैट बॉय, बाहुबली? न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा. व्हाई डू वी गिव दिस नेम्स? बिकॉज ये जो लॉन्च व्हीकल है ये काफी ज्यादा सैटेलाइट, काफी भारी सैटेलाइट को ये ले सकता है. ओके, सो इसके जो कैपेसिटी है कहीं ज्यादा है, 400 kg तक ले सकता है, 500 kg तक ले सकता है. सो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड जीएसएलवी. ओके, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन पीएसएलवी बिकॉज चंद्रयान वन में पीएसएलवी का इस्तेमाल हुआ था एंड दिस वॉज ऑर्बिटिंग फॉर द मून. ओके, दिस वॉज ऑर्बिटिंग द मून. Then we saw, चलो ऑर्बिट किया है, लैंड भी कर लेते हैं. तो चंद्रयान 2 मिशन वॉज लॉन्च्ड फॉर द एम फॉर लैंडिंग ऑन द साउथ पोल. अभी हमको ये याद रखना है कि साउथ पोल जो है, ओके, इट इज ऑफकोर्स नाम से पता चलता है साउथ ऑफ द मून, साउथ पोल ऑफ द मून. बट ये एक दूसरा एक वर्ड हम देखते हैं, फार साइड ऑफ द मून. Now, what is the difference between far side and south pole? Okay, so far side jo hai, this part of the moon does not or it is away from the earth. So far side, okay, India ne abhi missions nahi kiya hai. We see that China is the one that has landed on the far side of the moon. Inka abhi recently mission bhi news mein tha. What was the name of the mission? Chang'e 4. ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट वन दैट एक्चुअली लैंडेड ऑन द मून. बट अभी रिसेंटली न्यूज में कौन सा था? चैंग'e 6. बिकॉज दिस मशीन वॉज द वन दैट केम बैक टू द अर्थ ब्रिंगिंग सैंपल्स फ्रॉम द मून.
तो फार साइड ऑफ द मून जो है ये हम फेस नहीं करता, इट्स ऑलवेज फेसिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ. वी ऑल्सो सी दैट दिस इज द रीजन जहां पे लैंड बहुत ही अनस्टेबल है, बहुत सारे क्रेटर्स जिसको हम कहते हैं. सो यूनिफॉर्म नहीं है, द टेरेन इज नॉट वेरी यूनिफॉर्म. ठीक है, तो बहुत खड्डे हैं ऐसे आप कह सकते हो. सो दैट इज योर फार साइड विच इंडिया हैज नॉट गॉन. हम तो गए हैं साउथ पोल में. सो चंद्रयान 2 जो मिशन था ये 2019 में था एंड हम देखते हैं LVM3, राइट, दिस इज द लॉन्च व्हीकल. सो LVM3 या लॉन्च व्हीकल Mark 3, इट इज नथिंग बट GSLV. ठीक है, इसका मॉडिफाइड वर्जन है, इसको LVM3 कहते हैं. एंड Mark 1, ओके, दैट वॉज Mark 1 दैट वी सी. सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मन बिकॉज लैंड होने के टाइम पे ये थोड़ा क्रैश हो गया. सो वी मिस द कम्युनिकेशन एंड दैट इज वाई इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल वन. लेकिन सक्सेसफुल था इन द ईयर 2023 एंड विच इज दैट मिशन, दिस वॉज चंद्रयान 3. तो सेम थिंग वॉज द एम कि हमको लैंड करना है इन द साउथ पोल ऑफ द मून. सो यहाँ पे लॉन्च डेट था July 14 को, यहाँ से लॉन्च हुआ था. और लैंड कब हुआ था? लैंड हुआ था इस दिन में, यानी August 23rd, 2023. ओके, सो इट लैंडेड ऑन August 23rd एंड दैट इज वाई वी कॉल टूडे एज नेशनल स्पेस डे. नाउ कमिंग टू दिस, ये यूज करता है LVM3 Mark 4. ओके, दैट वॉज द मेजर नेम और यू कैन से ऑफ द सैटेलाइट. उसको GSLV Mark 3 भी कहते हैं या LVM3. ठीक है, दोनों सेम है. सो अगर एग्जाम में आया, यू रिमेंबर इट्स LVM3 Mark 4. दिस इज द वेरियंट, जैसे XL होता है, कोर अलोन, CA होता है. सो यू सी द वेरियंट्स. तो पहला वाला हमने देखा M1 था, ये M4 था. ओके, नाउ कमिंग टू दिस, ये लॉन्च हम जो हमारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं वो कहाँ से करते हैं? श्रीहरिकोटा से. ओके, श्रीहरिकोटा, ये सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस स्टेशन. सतीश धवन वॉज द यू नो द सेकेंड और द थर्ड चेयरमैन ऑफ द इसरो. पहला चेयरमैन थे विक्रम, राइट, विक्रम, डॉक्टर विक्रम साराभाई. सो यहाँ पे हमने देखा है द लैंडर वॉज कॉल्ड विक्रम, द रोवर इज कॉल्ड एज प्रज्ञान. तो ये जो एक सक्सेसफुल हमारा मिशन रहा है, विक्रम था लैंडर का नाम एंड इट हैज मेनली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द मून. तो आज के आर्टिकल में हम देखते हैं कि आज के इंडियन एक्सप्रेस में बताया गया है विद रिगार्ड टू What are the findings of the Chandrayaan 3? What are the findings of the Chandrayaan 3? तो यहाँ पे हमको कुछ important information मिला है. APXS. Now what is APXS? This is Alpha Particle X-ray Spectrometer. जो प्रज्ञान में हमारी जो equipment में है वो लगाया गया है. Mainly to detect about the composition of the various elements. Okay, जो land या जो soil हमको मिला है वो उसका एनालिसिस करता है. सो हमको उसमें डेटा मिला है, वी गॉट सम डेटा फ्रॉम दिस. एंड यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ इट. फाइंडिंग्स ये है कि यहाँ पे इफ यू से हिस्टोरिकली या पहले द मून हैड अ रीजन ऑफ मैग्मा. ओके, मैग्मा, हॉट मोल्टन लावा, मैग्मा कहते हैं इसको. तो ये सरफेस में पाया गया था, इसका एविडेंस हमको ऐसे मिला है. सो दैट इज वन रीजन. ओके, दैट इज वन थिंग दैट वी अंडरस्टूड कि मून पहला बहुत यू नो यू हैड द सरफेस ऑफ लावा मैग्मा, ये मिला है. इसके अलावा हम देखते हैं दैट क्रस्ट, लूनार क्रस्ट, ओके, ये लेयर बाय लेयर बना है. ठीक है, द लेयर बाय लेयर हमको पता चला है बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ द सर्फेस. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट वी हैव अंडरस्टूड बिकॉज ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ चंद्रयान 3 मिशन, राइट. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट. तो अगला मिशन है आदित्य L1. दिस हैज ऑल्सो बीन अ रीसेंट मिशन. ठीक है, ये September 2 को था. सो अगर हम देखें 2023, so soon after Chandrayaan 3 we had Aditya L1. now Aditya L1 ka aim kya hai? to study about the sun ke surface ke bare mein samajhne ke liye we had the Aditya L1 mission. now L1 ka matlab kya hai? L1 ka matlab hai Lagrange point. okay, Lagrange 1. so what do you mean by Lagrange? Lagrange is basically do jab objects hote hain, do jab bodies hote hain, उनके बीच में एक पोजीशन हो सकता है या बहुत सारे पोजीशंस हो सकते हैं जहां पे देर इज नो
पुश और पुल फोर्स, यानी जो अट्रैक्शन या रिपल्शन का जो फोर्स होता है वो वहां पे महसूस नहीं होता. इट इज अ वेरी इक्विब्रियम पॉइंट. ओके, सो दैट पॉइंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वेयर देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट इज कॉल्ड एज L1 या Lagrange point, that is called as Lagrange points. तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मेरा sun है और यहाँ पे मेरा earth है, okay, sun and the earth. So there are points that you don't find that, I mean that that you experience a sense of equilibrium. Okay, तो ऐसे कितने points हैं? 5 points आते हैं. So जैसे मैं L1 की बात करता हूँ, L2, L3, L4. L5. So these are 5 points in the space that we see the sense of equilibrium is maintained. ठीक है, तो ये जो हमारा सैटेलाइट है ये L1 पॉइंट पे है, इसीलिए आदित्य L1 इसका नाम है. सो इसमें अलग अलग पेलोड्स है टू अंडरस्टैंड अबाउट द सन्स सर्फेस, बिकॉज सन इज लाइक द सेंटर ऑफ आर यूनिवर्स, राइट? सेंटर पे है, हम चारों ओर घूमते हैं, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस. सो दैट इज वाई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देयरफॉर वी हैव सीन अ मिशन फॉर द सेम. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मिशन. ओके आदित्य L1 याद रखना है आपको कि PSLV कौन सा लॉन्च व्हीकल इस्तेमाल किया है, पूछ सकते हैं. तो PSLV इज वॉट वॉज यूज. ओके, हमारा लॉन्च स्टेशन सेम होगा, सतीश धवन स्पेस स्टेशन, राइट, श्रीहरि कोटा में है. एंड फर्दर वी सी दैट एस्ट्रोसैट. ओके, नाउ नेक्स्ट मिशन एस्ट्रोसैट, ये थोड़ा पुराना है, 2015 का है. यहां पे भी PSLV का इस्तेमाल हुआ है. एंड व्हाट डज दैट डू? ओके, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन किए गए हैं to understand about the star systems, to you know, stars hote hain, alag alag stars hote hain, black holes, iske bare mein study research karne ke liye we had the astrosat missions, right? Stars bhi emit karte hain some radiation. To understand all of this, to understand about astronomy and about the various celestial objects, humne diya tha ek astrosat mission. Let's proceed to the next mission. This is exposat. Now this is a very recent mission because ये इस साल लॉन्च हुआ है. So again chances है ज्यादा इसके पूछने के. So remember exposat. Exposat का full form है X-ray polarimeter satellite. Okay, X-ray polarimeter satellite. So exposat जो है, what is the major aim of it? It is to study about the cosmic rays. ठीक है, X-ray जो polarization against stars and all they emit certain important rays. तो उसके study करने के लिए we see that exposat mission was sent. तो 2024 first January को ये launch किया था. What was the name of the launch vehicle? PSLV. ओके, तो ये एनालाइज करता है पोलराइजेशन, ओके, ऑफ द एक्स रेज, द रेज दैट कम फ्रॉम दीज ऑब्जेक्ट्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जो स्टार्स, ब्लैक होल्स. तो उसके स्टडी करने के लिए ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टू अंडरस्टैंड आवर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, very important mission. All right, so these are the important space missions. And we can also remember ki recently a lot of private sector contribution bhi zyada aaya hai. Again very important for the exam. Jaise agar hum baat kare Agnikul Cosmos की बात करें, तो ये जो मिशन है या ये जो कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है. इन्होंने क्या बनाया? अग्निबान सॉर्टेड, राइट? Now, why are we studying private missions? Because ये इंडिया के प्राइवेट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा कर रहे हैं, तो इसीलिए पूछ सकते हैं. एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज, बिकॉज ये 3D सैटेलाइट है, यानी 3D की टेक्नोलॉजी से बना है. तो आपने बस प्रिंट बटन दबा दिया, वहां पे जो आपका प्रिंटर मशीन है ये 3D एक रॉकेट लॉन्च या बनाएगा. ओके, तो ये प्रिंट करेगा आपको लेयर बाय लेयर, एक 3D एक आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द अग्निबान सॉर्टेड मिशन जिसने अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है. सो वैसे ही बहुत सारे हैं, स्काई रूट भी है, दिस इज अनदर मिशन. सो यर यू नीड टू नो कि इसरो से रिलेटेड आर्टिकल्स, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके बारे में, मिशंस पूछ सकते हैं. यू नीड टू नो द लॉन्च व्हीकल्स ऑफ द सेम. यू नीड टू नो सम इंपॉर्टेंट आर्म्स ऑफ द मिशन, जैसे कि इसरो का कमर्शियल आर्म का नाम क्या है. कमर्शियल आर्म जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड.
इसका यही काम है कि कैसे प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन को बढ़ा सके. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये नया सा बॉडी है, 2019 में ही बना था, राइट. इट इज द कमर्शियल आर्म. इट गिव्स यू नो इट वॉन्ट्स टू इंक्रीज द कोलैबोरेशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं ये अगर हमारे सर्विसेज ओके इट हैज टू गिव टू द अदर रीजन्स ओके. अंतरिक्ष भी है, अंतरिक्ष ओके. सो एग्जाम्पल हमारा सैटेलाइट खाली जा रहा है तो फ्रांस का कोई सैटेलाइट चाहिए, उसको भी भेजना है तो हम भी उसको थोड़ा हेल्प करते हैं, हमारे यहाँ पे वो भेज सकता है ताकि वी ऑल्सो विल गेट सम इकोनॉमी आउट ऑफ इट. पैसा भी मिलेगा हमको, राइट, जब वो हम उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे. सो दीज आर सम सर्विसेज दैट वी डू, राइट. सो अंतरिक्ष 1992 में बना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इज अ न्यू वन. मेजर ऑफ द फंक्शंस ऑफ अंतरिक्ष आर टेकन बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. फिर इन स्पेस भी है. इन स्पेस का काम क्या है? इन स्पेस इज बेसिकली विद रिगार्ड टू ऑथराइजेशन करना. रेगुलेटरी बॉडी जो होती है दैट इज इन स्पेस. सो आज के न्यूज़पेपर में काफी इंफॉर्मेशन दिया गया है इस बॉडीज के बारे में जो हम ऑलरेडी स्टैटिक इंफॉर्मेशन में कवर करते हैं. तो ये आपको इंपॉर्टेंट है बिकॉज योर अगेन रिपीटिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड व्हाट यू गॉट टू डू इज रिवाइज फ्रॉम द आर्टिकल्स दैट वी हैव सीन एंड यू नो द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिगार्ड टू दिस. So let me proceed with the next article then, since we've covered the important aspects. So let's understand with the next article jo The Hindu ke main headlines pe tha. So let's understand why is this article important. Ye article jo hai, yahan pe Tripura ka ek dam hai jiska naam hai Dambar. ठीक है, नाम क्या है डैम का? डंबर डैम है. तो अभी बांग्लादेश कह रहा है, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा है, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट. तो कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो कह रहे हैं कि यहां पे फ्लडिंग हो रहा है, बांग्लादेश में फ्लडिंग हो रहा है बिकॉज इंडिया ने वहां पे ये जो डंबर डैम है इसको ओपन करके रखा है जिसके कारण सारा पानी बांग्लादेश के रीजन में पड़ रहा है. सो दिस इज व्हाट द प्रोटेस्ट इज हैपनिंग अगेंस्ट इंडिया. ओके, ऑन द अदर हैंड हमारे गवर्नमेंट ने ये डिनाई किया है. गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो फ्लडिंग हो रहा है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ द डैम. हमने डैम ओपन, तो आप ये देख रहे हो कैसे पानी भरा है यहां पे, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंडिया दैट हैज ओपन द डैम, द डंबर डैम, बट इट इज बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. ओके, बारिश ज्यादा होने के कारण वहां पे फ्लडिंग हो रहा है. तो जैसे त्रिपुरा एंड इन द ईस्टर्न बांग्लादेश यू फाइंड दैट The water has been collected. Now coming to the whole issue, तो ये इसीलिए protest चल रहा है. हमारे लिए exam में क्या important है? Of course, India-Bangladesh relations important है. तो if you talk about India और Bangladesh के कौन से states मिलते हैं, which is the common states that share the border with Bangladesh? What is it? West Bengal. Okay, West Bengal. फिर आता है Assam. त्रिपुरा, ओके, मिजोरम एंड मेघालय. ओके, सो ये पांच स्टेट्स आपको याद रखने हैं. ओके, दैट इज MMWAT. ओके, ये पांच स्टेट्स शेयर द बॉर्डर विद बांग्लादेश. And we know the India or Bangladesh case side, you know, it's the longest, largest international border that we share with any country. Kitna? 4096.7 kilometer. Itna lamba border hum share karte hain. Okay, it is said ki around 52 rivers, common rivers hote hain India and Bangladesh ke beech mein. And ek dispute bhi chal raha tha, jo hai Tista river water dispute. Alright, so these are some important aspects that we can be expected to be asked in the exam. Let's proceed to the next article. This is with regard to the Hindu. Yahan pe NDMA. NDMA ka full form kya hai? National Disaster Management Authority. So yahan pe inhone 189 high risk glacial lakes ko मॉनिटर करना स्टार्ट किया है ताकि डिजास्टर्स को हम प्रिवेंट कर सके. नाउ द क्वेश्चन हियर इज व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियल लेक्स. ओके, बेसिक्स से समझते हैं ग्लेशियल लेक्स क्या है. सो ग्लेशियल लेक्स इज दोस लेक्स दैट आर क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स. तो ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं
उसका पानी अक्यूमुलेट होता है किसी वॉइड में या किसी स्पेस में, वो फिल करते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लेशियल लेक्स. तो ऐसे 189 ग्लेशियल लेक्स को NDMA ने मॉनिटर करना स्टार्ट किया है. क्वेश्चन इज मॉनिटर क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहां पे देयर कैन बी अ स्टेट ऑफ ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट. ओके, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहते हैं हम इसको. ओके, GLOF. You must have heard of this term before. So what do you mean by glacial lake outburst flood? जब glaciers काफी ज्यादा तेजी से melt होने लगे. Now what is the reason why they melting? Climate change. Climate change के कारण, okay, I mean you can say, और global warming के कारण, you see that the glaciers are melting. And they melt at a faster rate. और ये जब melt करने लगते हैं, okay, there can be a sudden release of water from the glacial lakes, sudden release of water from the glacial lakes, and jiske karan sudden release of water hoga, that means floods hoga, right? So that is again a loss, can create loss of lives, loss of property, property destroy kar sakti hai, infrastructure ko harm kar sakta hai, logo ki jaan ja sakti hai, because ye bahut achanak ho sakta hai, suddenly burst hota hai. Okay, so that is called glacial lake outburst flood. So this is nothing but a disaster, especially in the northern states, because ye Himalayas ke hum ke bare mein hum baat kar rahe hain. So isiliye abhi hum NDMA dekh raha hai ki yahan pe monitor karenge taki unko agar pata chalega, if they are seeing that the, you know, the flow of the water has increased, okay, so therefore they will say they will try to vacate the people there, okay, vacate the people from there. So now we've understood about glacial lake outburst flood. एक mission भी है, एक program भी है, okay? The program का नाम है National Glacial Lake Outburst Flood Risk Mitigation Program. So ये mitigation program का काम ही यही है कि to ensure कि वहां पे disasters ना हो because of glaciers melting. Now exam point of view again important to know about this body NDMA, बहुत ही important body है. So let's understand, ये body का काम यही है कि disaster manage करना, be it floods, drought, cyclone, tsunami, earthquake, okay, all of this is maintained by NDMA. तो ये कब बनी थी? 2006 में बनी थी, 27 September, and you can see it's a statutory body, यानी it is made by an act of the parliament. Right, and this act ka naam kya hai? Disaster Management Act of 2005. Right, therefore 2006 mein ye body bani thi. National Disaster Management Authority is made in accordance with which act? Disaster Management Act 2005. Yahan pe hum dekhte hain chairperson kaun hai? Chairperson hai Prime Minister. Okay, therefore very very important. Okay, to ye pooch sakte hain chairman kaun hai, Prime Minister, aur inke alawa 9 aur members hote hain, and one such member to be designated as vice chairman. So 9 mein se ek banta hai vice chairperson. So this is with regard to the NDMA. Let's proceed to the next article, and this is with regard to another initiative. Initiative ka naam hai Digital General Crop Estimation Survey. Okay, यहाँ पे दिया गया है Digital General Crop Estimation Survey. So what is the government trying to do? यहाँ पे the government is trying to survey the land. ठीक है, survey करना चाहता है, crop survey करना चाहता है to understand, okay, about various use of the field of crops. यहाँ पे accuracy, reliability, transparency हम बढ़ाना चाहते हैं इस scheme के through. We'll be understanding more about agricultural statistics. कि कितना crops grow हो रहा है, कैसे हो रहा है, what is the region that we are using, all of this is mainly understood. और हम ये survey कैसे करेंगे? Manually जाके? No, we're using technology. So we're using remote sensing satellites, we're doing geospatial analysis, हम artificial intelligence का इस्तेमाल कर रहे हैं to understand about the crops. Now why are we doing this? हम क्यों ये survey कर रहे हैं? Crop data को gather क्यों करना है? समझना क्यों है कि crop कितना grow हो रहा है? What is the reason? ताकि policy makers, जो हमारी government है, ये जो policies लेके आएंगी, programs लेके आएंगी, it is going to be based on data, है ना? Arbitrarily जैसे ऐसे मन किया तो ये data नहीं देगे, right? या program नहीं बनाएगी. So to understand
or to bring out new programs, it needs to have some data with themselves. इसीलिए हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना क्रॉपिंग है सिस्टम, कितना हमारा डेटा है, कैसे लैंड पे ये ग्रो हो रहा है, पूरा ये एस्टिमेट लेके आएगा ऑफ द क्रॉप्स एंड देन इट विल हेल्प द गवर्नमेंट टू ब्रिंग पॉलिसीज. ओके, पॉलिसी बनाना, ट्रेड के डिसीजंस, कितना हमको इंपोर्ट करना है क्रॉप्स, कितना एक्सपोर्ट करना है, राइट, या अगर एग्रीकल्चर का पूरा प्लानिंग करना है, ऑल ऑफ दैट विल बी हेल्प्ड मेनली इफ वी हैव प्रॉपर डेटा. सो दैट वॉज द इनिशिएटिव एंड वी हैव जस्ट सीन अबाउट. Let's proceed to the next article. Now, this is given in the Indian Express कि government अभी एक internship portal लेके आएगी, एक internship scheme. तो internship का मतलब क्या है? Mainly you have companies में ये internship देते हैं ताकि जो freshers हैं वो skill develop कर सके, right? They understand how to work. And यहाँ पे आपको देखते हो कि आपका जो payment है, okay, it's not like a regular employee. ओके, यहाँ पे आपको बस ट्रेनिंग दी जाती है तो आपका जो रकम है, सैलरी है, इट इज वेरी वेरी लेस, बट द मेजर एम इज टू गेट इंटीग्रेटेड इन द वर्क फोर्स, राइट. सो दैट इज व्हाई नाउ वी नो कि हमारे पास बहुत ज्यादा एम्प्लॉय यूथ है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी ज्यादा है, राइट. द यूथ आर मोर बट द एम्प्लॉयमेंट रेट इज लेस. So that is why government is trying to bring about schemes to ensure कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लोगों का skill बढ़ा सके. And that is why we have the internship scheme that was launched or announced in the Union Budget 24-25. So यहाँ पे what is the government doing? The government would offer कि 1 crore youth internship generate हो, ठीक है, और कितने companies में 500 ऐसे top companies of India. So 500 companies of India are going to give so many jobs, okay, because all India hai ye, and 1 crore jobs degi, 1 crore internships degi, not jobs, and in this unko 5000 har mahina, okay, 5000 every month they are going to get as a stipend, right, allowance. Apart from that 6000 एक वन टाइम पेमेंट 6000 का भी देगी फॉर एक्स्ट्रा, यू नो, उनका कम्यूट होता है, उनका ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस और सब होता है. सो दैट इज सम एडिशनल अमाउंट दैट इज गिवन फॉर द इंटर्न्स. ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, कीपिंग इन माइंड कि हमारे यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूथ के पास जॉब्स नहीं है, स्किल्स भी नहीं है, सो टू गेट देम इंटीग्रेटेड इन द सिस्टम. सो यहाँ पे वी विल ऑल्सो सी दैट देर आर ऑल्सो सम प्रॉब्लम्स विद दिस कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एलिजिबिलिटी मैंशन नहीं किया है, क्वालिफिकेशंस, ओके, वॉट शुड बी देयर, ऑल ऑफ दैट इज नॉट मैंशन. सो देर इज सम यू नो गैप हियर, एंड ऑफकोर्स इन द टाइमिंग जो समय आएगा वील नो मोर अबाउट इट. नाउ इट हैज जस्ट कम इन द पेपर्स. वी ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग हियर दैट ये 1 crore तो जॉब यूथ को जॉब्स भी देगा. ओके, वी विल सी दैट द कंपनीज ऑल्सो विल ट्राई एंड हैव टू पंप इन मनी बिकॉज उनको भी स्टाइपेंड देना पड़ेगा. सो दिस विल बी अ पार्ट ऑफ देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. What do you mean by CSR? Corporate social responsibility. So every company has a way of giving back to the society. ठीक है, तो you must have seen many drives, cleaning drives करते हैं companies, forestation drives करते हैं, ताकि वो भी economy को वापस दे सके from the profits that they are earning. So that is where they are giving back to the economy, back to the system, back to the government. By giving what? By giving jobs. So that is the whole CSR initiative, and we will see how beneficial this scheme will be. Let's understand the next article, and this is with regard to FDCs. FDCs का मतलब क्या है? Fixed dose combination. FDCs. Now let's understand कि इसका मतलब क्या है. What do you mean by FDCs, and what is this whole article all about? Now, FDCs या fixed drug combinations is जब आप दो से ज्यादा two or more combinations का इस्तेमाल करते हो. Two or more what? Two or more APIs. API का मतलब है जो drugs में you use some salts, right? You use some ingredients. तो इसको हम active pharmaceutical ingredient कहते हैं. तो हम ये combination का इस्तेमाल करते हैं and these ingredients are made into a single drug. ओके, तो आप 3-4 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आप ड्रग एक ही बनाओगे, सिरप एक ही बनाओगे. समझ में आया? सो दैट इज योर फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन वेयर यू आर यूजिंग टू और मोर
active pharmaceutical ingredients in fixed concentration. That is why the name. Now question is, how is this helpful for us? Benefits kya hoga FDCs ka? Just say if you know about diseases like tuberculosis, like cancers, like AIDS, okay, yahan pe unko ek dawai nahi hoti, multiple dawai hoti hai, 5-7 dawai hoti hai, hai na? So again, what will happen is, we will not have 5-7 drugs, we can just have this one drug. हम सिर्फ एक ही ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे पेशेंट का कंप्लायंस ज्यादा होगा, ही विल नॉट फॉरगेट इट, ही विल नॉट, ही और शी विल नॉट फॉरगेट टू टेक द ड्रग. तो कंप्लायंस बेटर रहेगा तो ट्रीटमेंट भी ज्यादा इफेक्टिव होगी, है ना, भूल तो नहीं जाएंगे. थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर हम कहें, ओके, ये कॉस्ट को भी कम करेगा. नाउ यू डोंट हैव टू बाय 7 ड्रग्स सेपरेटली, राइट? आपको बस एक ही ड्रग करना पड़ेगा. तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें, कॉस्ट का ओवरऑल प्रोडक्शन कम होगा, कॉस्ट भी ये कम करेगा, कॉस्ट विल रिड्यूस. सो दीज आर, यू कैन से, द मेजर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन. पेशेंट ज्यादा यूज करेगा, भूलेगा भी नहीं, एंड जिसको दवाइयां भी पसंद नहीं है, जस्ट नाउ वन सिरप इफ द पर्सन हैज टू टेक, इट विल हेल्प. बट अभी न्यूज समझते हैं. न्यूज है कि गवर्नमेंट ने बैन किया है 156 FDCs को. ओके, व्हाई इट हैज बैन, कि इन्होंने कहा है बिकॉज इट इज इरेशनल, देर इज नो जस्टिफिकेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. तो यहां पे समझते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है. ड्रॉबैक्स भी होंगे, राइट? देर आर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस. नाउ ड्रॉबैक्स में अगर हम देखें, फर्स्टली यहां पे कुछ, sometimes these pharmaceutical companies don't actually based on certain research. तो ये irrationally कुछ combination देके ये बनाते हैं. So there is no therapeutic, you can say, justification for these drugs. Okay, so that is one law, one such drawback. The second drawback is, देखो एक गोली हमको you know, can say side effects देती है. Now you're using so many such medicines and clubbing into one. तो ये कुछ रिएक्शन भी कर सकती है. सो देयर विल बी एडवर्स रिस्क टू द पेशेंट, रिस्क टू द पेशेंट. थर्ड सच रीजन, ओके, पहला हमने देखा कि ये कोई जस्टिफिकेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती है पर इसका कोई फिक्स डोज या जस्टिफिकेशन नहीं होता. सेकेंड इज ये रिस्क टू द पेशेंट विद रिगार्ड टू साइड इफेक्ट. थर्ड रीजन वी कैन से दैट डिजीजेज लाइक ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर, जैसे एड्स की बात करें, दैट मेक्स सेंस. बहुत सारे डिजीजेस, मतलब बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, तो इसको कम करने में चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है. बट अगर आपको एक बेसिक एक फीवर हुआ है, ओके, आपको बस फीवर हुआ है, सो यू जस्ट रिक्वायर्ड अ पैरासिटामोल, बट अभी आपको 2-3 का एक्टिव इंग्रीडियंट दिया, सो नाउ यू आर इंक्रीजिंग योर बॉडी, बॉडी में आप इनटेक कर रहे हो उस दवा की जिसको आपकी जरूरत ही नहीं है, या उस दवा की जो आपको इनफैक्ट कुछ काम नहीं कर पाएगी. ओके, बट यू आर टेकिंग इट, आप सेवन कर रहे हो. सो इन दैट केस यू आर इंक्रीजिंग द मेडिसिन डोजेज इन योर बॉडी, राइट? तो इससे आपको रेजिस्टेंस भी आपकी बॉडी की कम होगी, राइट? इट विल, जो आपका, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस टर्म, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. हम ज्यादा दवाई का यू नो कंज्यूम कर रहे हैं जिसके कारण दवाइयां इफेक्टिव ही नहीं हो रही है. सो दैट कुड बी अ लेटर प्रॉब्लम इन अस, बिकॉज वी आर यूजिंग ड्रग्स, वी आर यूजिंग दीज इंग्रीडियंट्स, बट दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी टू फाइट. उसका कोई यूज ही नहीं था. सो एक्सपोजिंग द बॉडी टू अननेसेसरी ड्रग्स इज अनदर रीजन फॉर इट. एंड वन मोर सच यू कैन से अनदर ड्रॉबैक, ये जो हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज बात करते हैं, ये बना रहे हैं जस्ट टू इंश्योर देयर प्रॉफिट्स, ठीक है? वो अपने पैसों के लिए ये एक यू नो यू कैन से ये पब्लिसाइज करते हैं कि यू नो यू कैन जस्ट हैव वन ड्रग. सो दीज देयर आर ऑल्सो सीन दैट मोस्टली द हाई एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ओके, ये बना रहे हैं पर इसका कोई इस्तेमाल नेसेसरी नहीं है. सो ऑल ऑफ दीज आर द अदर यू कैन से ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग द FDCs. सो नाउ इन दिस केस हमने देखा है कौन सा बॉडी रेगुलेट करता है, दैट इज द सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSO,
और इनको हेड कौन करता है? द हेड इज डन बाय द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसको हेड करता है. सो इन्होंने आदेश दिया है कि इसको बैन करना है. एंड कौन से एक्ट में इसको बैन किया गया था? सेक्शन 26A, दैट इज ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. सो विद रिगार्ड टू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स, विच इज द एक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टडी? द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940. सो दैट इज ऑल फॉर द डे. हमने बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स देखे नेशनल स्पेस डे के बारे में, उसके बहुत सारे मिशन देखे हैं, सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट वी हैव आल्सो सीन फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. थैंक यू सो मच.